नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं शुभकर्ण सहायक आचार्य EFM श्री राधे श्याम आर मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में यूनिट संख्या प्रथम भारतीय रिजर्व बैंक का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हमने पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि रिजर्व बैंक किस प्रकार साख का नियमन नियंत्रण करता है या रिजर्व बैंक एक भारत के आर्थिक विकास में रिजर्व बैंक की क्या भूमिका है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि रिजर्व बैंक की कौन कौन सी सफलताएँ हैं, कौन कौन सी विफलताएँ हैं। तो रिजर्व बैंक की सफलताएँ, रिजर्व बैंक की सफलताएं, अचीवमेंट ऑफ RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की विभिन्न प्रकार की सफलताएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से सम्मिलित है। पहली सफलता की हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पत्र मुद्रा निर्गमन पद्धति में महत्वपूर्ण सहायक रही है। पत्र मुद्रा निर्गमन पद्धति, पत्र मुद्रा निर्गमन पद्धति मनी इशू सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया, पत्र मुद्रा निर्गमन में बैंकिंग क्रियाओं में मुख्यतया न्यूनतम कोष पद्धति के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पत्र मुद्रा निर्गमन में सहायक है, जिसमें 100 करोड़ की अगर मुद्रा की हमें आवश्यकता है तो 115 करोड़ रुपये का सोना, 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां रखकर पत्र मुद्रा सिस्टम लागू होता है। तो ये भी इसकी सफलताओं में सम्मिलित है कि पत्र मुद्रा निर्गमन पद्धति एक सहायक भूमिका है। अगला है सरकारी बैंकर के रूप में, बैंकर्स सरकार के बैंकर, सरकारी बैंकर के रूप में भी सरकारी बैंकर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है, जिसमें एज ए गवर्नमेंट बैंकर के रूप में भी सहायक है। एज ए गवर्नमेंट बैंकर, ये भी इसकी सफलताओं में है। सरकारी बैंकर के रूप में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महत्वपूर्ण तरीके से भूमिका का निर्वहन करते हैं। अगला हम बात करें सरकार के सलाहकार के रूप में, सरकार के सलाहकार के रूप में एज ए एडवाइज़र गवर्नमेंट के एडवाइज़र के रूप में, या टू दी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं इसको, टू दी गवर्नमेंट सरकार के सलाहकार के रूप में भी एक रिजर्व बैंक की सफलता में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार के सलाहकार के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महत्वपूर्ण एवं सहायक भूमिका का भी निर्वहन करते हैं। तो सरकारी सलाहकार या सरकार के सलाहकार के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सहायक भूमिका है, क्योंकि सरकार की सलाह के या केंद्रीय, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मैंने जैसे आपको बताया केंद्रीय बैंक का दर्जा भी दिया गया, जो कि मैंने आपको बताया 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो ये सरकार के सलाहकार के बैंकर के रूप में भी ये कार्य करते हैं। अगर आप मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा स्फीति के रूप में भी ये नियमन नियंत्रण करता है, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेक्शन। मुद्रा स्फीति, मुद्रा की मात्रा अधिक, मुद्रा में कमी पे किस प्रकार से नियमन नियंत्रण करना है, किस प्रकार से कंट्रोल करना है, तो मुद्रा का अधिक मात्रा में निर्गमन होना या मुद्रा का अधिक मात्रा में न छपना, तो मुद्रा स्फीति के कार्य पे भी नियमन नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है।
जो कि एक सहायक है। अगले हम बात करें कृषि वित्त व्यवस्था। एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस भी ये प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग की सुविधा एक रिजर्व बैंक की सफलताओं में महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत देश कृषि प्रधान देश है जो कि कृषि पर निर्भर है, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पर कृषि करते हैं। तो एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है, क्योंकि आरबीआई एक्ट या आरबीआई रेगुलेशन के तहत विभिन्न प्रकार की फाइनेंसिंग सुविधाएँ कॉमर्शियल बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाती है। तो कृषि वित्त की व्यवस्था मुख्यतया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य उसके सफलताओं में महत्वपूर्ण है। अगला औद्योगिक वित्त एवं रिजर्व बैंक। छठे हम बात करें औद्योगिक वित्त एवं आरबीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग की भी सुविधा करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग और आरबीआई मुख्य रूप से कि उद्योगों को वित्त की व्यवस्था संबंधी कार्य भी दिए जाते हैं, जिसमें मुख्यतया औद्योगिक मुख्य वित्त से संबंधी कार्य दीर्घकालीन कोष की व्यवस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा करवाई जाती है, जिसमें विभिन्न बैंकों को ये उत्तरदायित्व सौंपा गया है, जिसमें नाबार्ड और कृषि संबंधित बैंकें इसमें सम्मिलित हैं, जो कि औद्योगिक वित्त की सुविधाएँ उपलब्ध करवाते हैं। आगे हम बात करें सार्वजनिक ऋणों या फिर धन स्थानांतरण की सुविधा भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, कि किस प्रकार से धन स्थानांतरण किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ मनी कि धन स्थानांतरण एक स्थान से या एक देश से दूसरे देश में किस प्रकार से धन परिवर्तन करना है, किस प्रकार से धनों का आवागमन करना है, तो धन स्थानांतरण से संबंधी कार्य भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अगला, जैसे मैंने आपको बताया रिजर्व बैंक के कार्यों में समाशोधन घरों की व्यवस्था, क्लियरिंग हाउस पूरे भारत में, मैंने जैसे बताया था पूर्व के वीडियो में 14 क्लियरिंग हाउस है, 14 जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ये भी एक अपनी सफलता में महत्वपूर्ण है। अगला, बैंकिंग कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधा, जो भी बैंकिंग जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य, प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण है। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आंकड़ों का प्रकाशन, ये भी एक सफलताओं में है, कि रिजर्व बैंक समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से आंकड़ों का प्रकाशन से संबंधी भी कार्य ये करते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, बिल बाज़ार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स, बिल मार्केट्स हैं उनका भी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा विकास भी एक सफलताओं की श्रेणी में आते हैं। अगला, हम बात करें साख नियंत्रण की रीति, भारत में क्रेडिट कंट्रोल साख नियंत्रण की रीति भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। अगला, सहकारी संस्थाएं और रिजर्व बैंक भी कहता है, बैंकों का विलय किस प्रकार से हुआ, तेरे की हम बात करें कि बैंकों को किस प्रकार से मर्ज करना है, किस प्रकार से उसको, ये भी एक सफलताओं में इसमें आता है। तो ये भी एक रिजर्व बैंक की सफलताएं हैं कि बैंकों के विलय से संबंधित भी कार्य आरबीआई करता है, संकट कालों में बैंकों को सहायता भी प्रदान करना है, विदेशी विनिमय संरक्षण भी प्रदान करता है। तो ये रिजर्व बैंक के मुख्यतया सफलताएं हैं। अब हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक की असफलताएँ या रिजर्व बैंक की विफलताएँ कौन कौन सी हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, कि कई बार रिजर्व बैंक की सफलताएं वो असफलताओं से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं, फेलर ऑफ बैंक, रिजर्व बैंक की विफलताएं।
पिलर्स ऑफ बैंक, जैसे अपन असफलताएँ भी कह सकते हैं, असफलताएँ भी कह सकते हैं रिजर्व बैंक की असफलताएँ, फेलर्स ऑफ रिजर्व बैंक, फेलर्स ऑफ RBI। तो असफलताओं की बात करें, जैसे सफलता थी उसका विपरीत क्या हो जाएंगी, विफलताएं हो जाएंगी। तो रिजर्व बैंक की विफलताओं में भी ये सम्मिलित हैं, जो कि मुख्यतया महत्वपूर्ण हैं। रिजर्व बैंक की विफलताओं में पहला है मुद्रा प्रसार, मुद्रा का अधिक मात्रा में इन्फ्लेक्शन होने से, या इन्फ्लेक्शन होती है जब मुद्रा, तो काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो मुद्रा प्रसार पे किस प्रकार से उसको कंट्रोल करना है, तो ये भी है, इससे अपने देश की अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, तो मुद्रा प्रसार एक महत्वपूर्ण है विफलताओं में। दूसरा है रुपयों के विनिमय मूल्य में कमी, रुपयों के विनिमय मूल्यों में कमी, रुपयों के विनिमय मूल्य कमी में यहाँ पर डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट की विफलताओं में एक सम्मिलित है, जो कि एक सहायक तरीके से भूमिका का निर्वहन भी करते हैं, कि मूल्यों रुपयों के विनिमय मूल्यों में कमी आने से इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पर प्रत्येक वर्ग को काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जिससे मुख्य रूप से अवमूल्यन 1966-91 में हुआ था। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो मुद्रा बाज़ार है, ये मुख्य रूप से विनिमय दर की में सहायक भूमिका है। और अगली हम पॉइंट की बात करें, सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था का अभाव देखो, सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था का भी अभाव है, क्योंकि लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था में, क्योंकि सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था अगर नहीं होगी तो अपने देश में महत्वपूर्ण तरीके से सहायक भूमिका या विफलताओं में सम्मिलित होगी। अगला, देशी बैंकर या गैर बैंकिंग है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पे नियमन एवं नियंत्रण नहीं करता है। तो ये भी इसकी प्रकार, क्योंकि देशी बैंकर एवं साहूकार सेठ महाजन होते हैं, अधिक मात्रा में ब्याज उनसे लेते हैं, तो ये रिजर्व बैंक की विफलताओं में सम्मिलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की कमी, अगला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की कमी। ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें बैंकिंग सुविधाओं की कमी रही, ये भी विफलताओं में है सम्मिलित है, जो कि लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज़। अगला है औद्योगिक साख की अपर्याप्तता, इन एडुकेट इंडस्ट्रियल फाइनेंस, औद्योगिक साख की अपर्याप्तता भी ये मुख्य रूप से शामिल है विफलता में, कि औद्योगिक साख में मुख्यतः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत कम ध्यान दिया है, क्योंकि औद्योगिक साख की अपर्याप्तता होने से उद्योगों का विकास नहीं हो पाता है, जिससे मुख्य रूप से सहायक विफलताओं में ये शामिल है। अगली हम बात करें, आर्थिक समंग प्रकाशन में देरी भी है, क्योंकि लेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डाटा होने से देश में या व्यक्ति विशेष को मालूम नहीं होता है, तो ये भी एक इसकी विफलता में सम्मिलित है। अगली हम बात करें, विकसित बिल बाज़ार के अभाव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। अगला, रिजर्व बैंक एवं स्वर्ण कोर्स रिजर्व बैंक का भी एक फंड होता है, या रिजर्व बैंक RBI एंड गोल्ड रिजर्व भी रखने में काफ़ी समस्याएं आई हैं, तो ये भी विफलताओं में सम्मिलित है। अपर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं हैं
क्योंकि अपर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की असफलताओं में सम्मिलित है। इनसफिशेंट बैंकिंग फैसिलिटीज़ से भी रिजर्व बैंकों में एक ब्याज दरों में असमानता, अनइक्वल बैंक रेट्स, ब्याज दरों में असमानता, ब्याज दरों में असमानता भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। अगली हम बात करें अपर्याप्त कृषि साख, अपर्याप्त कृषि साख मैंने बताया क्योंकि कृषि कार्यों में अपर्याप्त साख है। तो ट्वेल्थ बात की बात करें, ट्वेल्थ पॉइंट की अपर्याप्त कृषि साख ही रिजर्व बैंक की विफलताओं में सम्मिलित है क्योंकि इनएडुकेट एग्रीकल्चर कंट्रोल, एक विदेशी व्यापार में भारतीय बैंकों की अपर्याप्त भूमिका। विदेशी व्यापार की हम बात करें तो भी भूमिका है इसकी, मुख्य रूप से सहायक तरीके से नहीं है कि विदेशी व्यापार में आरबीआई का नियमन नियंत्रण या उसके भारतीय बैंकों के अपर्याप्त सुविधाएं रही हैं जो भी सफल रही हैं। एक हम बात करें प्रतिभूति घोटालों पर नियंत्रण करने में असफल, क्योंकि सिक्योरिटीज़ में भी काफ़ी घोटाले हो गए शेयर मार्केट में, प्रतिभूति घोटाले में भी महत्वपूर्ण है उसमें कि प्रतिभूति घोटालों को नियंत्रण करने में असफल रही है। तो इस प्रकार और भी विभिन्न असफलता के कारण हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सहायक तरीके से भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सफलताएं विफलताओं का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इसी क्रम में नाबार्ड का अध्ययन करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, नाबार्ड की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, नाबार्ड पे निबंध लिखिए, इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछते हैं कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।